कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जारी टीकाकरण अभियान में भारत ने नया इतिहास रचते हुए 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। देश की इस उपलब्धि पर हर तरफ जश्न का माहौल है। कोरोना वायरस के खिलाफ लोग प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्रियों समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर खुशी की झलक इन दिनों साफ तौर से दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में मुंबई के कांदिवली पूर्व विधानसभा के बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने टीकाकरण के 100 करोड़ पूरे होने की खुशी में कोरोना काल में लोगों की सेवा करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी और पत्रकारों का सत्कार किया। इस मौके पर कांदिवली पूर्व में स्थित कामगार अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का आभार व्यक्त करते हुए अतुल भातखलकर ने कहा कि ये देश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने इस मौके पर गो कोरोना गो कहते हुए 100 से अधिक गुब्बारे आसमान की तरफ छोड़े। कोरोना केला ही नव्या भारताच्या इतिहासातली अत्यंत आनंदाची, अभिमानाची आणि गौरवाची बाब आहे। आणि म्हणूनच कांदिवली पूर्व विधानसभेच्या वतीने आम्ही आज या ठिकाणी एसआय हॉस्पिटलमधल्या मेडिकल पॅरामेडिकल स्टाफ आणि पत्रकार ज्यांनी या कोरोनाच्या काळामध्ये कोरोना वॉरियर्स म्हणून काम केलं अशांच्या सगळ्यांच्या सत्काराचा कार्यक्रम ठेवला। 100 फुगे, 100 करोड लसीकरण पूर्ण झालं, आनंद म्हणून आकाशात पाठवले आणि मला पूर्ण विश्वास आहे की आता तिसऱ्या लाटेचा परिणाम जरी ती आली तरी आपल्याला जाणवणार नाही। लोकांचे जीव सुरक्षित झालेले आहेत आणि येणाऱ्या काळात 130 कोटी भारतीयांना आपण लस देऊन कोरोना हरेगा और भारत जितेगा हे जे मोदीजींनी पहिल्या दिवशी म्हटलं होतं ते आपण सिद्ध केलं। सर एकीकडे तो निर्णय तर राज्य सरकारच्या हातामध्ये असतो, पण आपण पाहिलं आहे की हॉटेलं रात्री 12 उघडी ठेवायचा निर्णय एका मिनिटात झाला, पण आजही 10वी आणि 12वीच्या परीक्षा या कधी घ्यायच्या याचं नियोजनच नाही आहे। बाकीच्या सर्व राज्यांनी नियोजन केलं पण महाराष्ट्राने नियोजन केलेलं, त्यामुळे मला असं वाटतं दारूबंदी उठवणारं